अनिल नए रचनाकार हैं, शोधी भी हैं और एक तरीके से नेपाली में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, कुमाऊनी में भी लिखते हैं और कुमाऊनी में भी जो एक तरीके से जो कुमाऊनी का जो मुहावरा जो इलाका एक तरीके से नहीं आ पाया है कुमाऊनी में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं अनिल। अनिल के बाद फिर छोटी टिप्पणी हमारे आचार्य जी करेंगे और फिर जुगलदार। धन्यवाद। मैं तो पर्चा लिख के लाया हूँ, इसी को पढ़ूंगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो कहना चाहता हूँ वो दरअसल इस तरह से है कि इधर बहुत सारे संदर्भ आ गए हैं, शैलियों को लेके आया और जातियों को लेके आया, वर्गों को लेके आया और तमाम सारी चीज़ें लेके आया, बातें आ गई हैं लगभग। लेकिन मुझे लगता है कि शैलियों को पकड़ पाना क्या ऐसा है कि हमने कहीं से झटक लिया, और ख़ासकर जो साहित्य का एक विकास क्रम होता है मौखिक परम्पराओं से यहाँ तक, क्या उसमें जातियाँ हैं, उसकी सामाजिक संरचना क्या है और किस तरह से किन संदर्भों से उसको पकड़ने वाले लोग आ रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। और कुमाऊनी गढ़वाली तमाम जितने भी लौकिक जो लिखित साहित्य है उसने अपनी मौखिक परंपराओं उसका अपने मौखिक परंपराओं से बहुत बड़ा अलगाव दिखता है, क्योंकि जो लेखन साहित्य है वो एक खास वर्ग का लेखन साहित्य है और जो मौखिक साहित्य है वो एक दूसरे वर्ग का लेखन साहित्य है। तो ये जो विकास क्रम इनका एक साथ अपने विकास क्रम को न समझ पाना भी एक बड़ी मजबूरी है, इसीलिए वो जो एक अजनबीपन है पूरे लेखन के भीतर वो यही वजह है। तो उसमें जब हम कहते हैं कि वो न्योली क्यों नहीं ला पा रहे अपने लेखन में, या हम कहते हैं कि वो जागर की शैलियाँ क्यों नहीं ला पा रहे हैं, तो इसकी खास वजह ये है कि वो दरअसल जो मौखिक परम्परा है उससे खुद को जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने जातीय चरित्र में एक अभिजातीय तबके से आते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। बहरहाल मैं अपने लेख को पढ़ रहा हूँ। जब मैं छोटा था मेरे पेट में दर्द होता था, पड़ोस की अम्मा मेरे पेट का कीड़ा मंत्र कर भगाती, जिस मंत्र में कल्या लोहार नाम के एक आदमी का जिक्र था जो खैर खमार के पेड़ों से बखेड़ निकाल के कच्चे लोहे का घन और पक्के लोहे की छुरी बनाता था और फिर उस छुरी से पेट का दड़ा यानी कि कब्ज काटता था। यह कवितामय मंत्र मुझे अब भी याद है और तब इस मंत्र के संदर्भ मेरे मन में ज्यादा प्रभावित है, परंतु स्कूल में बचपन से ही कविता कहानी का संदर्भ सहित अर्थ लिखने की आदत पड़ गई। कविता का संदर्भ हमारे लिए हमेशा मेरी पाठ्यपुस्तक के अलाने फलाने पाठ संख्या तक ही सीमित रह गया और अर्थ इतने रूढ़ हो गए कि 25 साल पहले जिस दोहे का अर्थ हमने जैसा रटा था सेम टू सेम आज भी वही है। कविता कहानी का संदर्भ और अर्थ आज भी स्कूली कक्षाओं में उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह वो वर्षों पहले चल रहे थे। अब सवाल उठता है कि इन कविता और कहानियों के संदर्भ आखिर बचाए किसने हैं? अगर स्कूलों में इसी तरह रूढ़ है तो कौन बचाता आ रहा है इन कविताओं के संदर्भ और इनकी सामाजिक चेतनाओं को? और मुझे लगता है कि जब मैं संजावली का एक अंश पढ़ता हूँ कि कविता की शैली और उसके सौंदर्य बोध में कि सुमेरु पर्वत हरी सूरज उरी गो और उरीना सूरज हरी भरपूर है ज्ञाना भरपूर है सूरज हरी केरालो लागी गोई और केरालो सूरज हरी घरीना है गयो और घरीना सूरज हरी धार ढली गए और धार को सूरज हरी नदी पड़ी छाया। इतना खूबसूरत कविता है और कुमाऊनी कविता का जो सौंदर्य पक्ष है ना वो उधार का पक्ष है। अगर आप उसको इस तरफ से देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई उसमें एक बड़ा सौंदर्य है। और हमारे यहाँ जिस कविता लोक के संदर्भ में बात कर रहा हूँ वो कविता लोक किसी भी अधुनातन नागर कविता लोक से ज्यादा आदिम और पुराना है। मैं जिस कविता लोक की बात कर रहा हूँ इसके अधुनातन नागर रूप तक आने में इसके मौखिक बखानों का बड़ा हाथ है। सूरज के उगने से लेकर संध्या का ऐसा वर्णन तो लिखित साहित्य में बहुत दुर्लभ होता है कि जब सूरज तिरछा चल रहा हो और जब सूरज डूब गया हो नदी पे उसकी छाया पड़ रही हो, कितना खूबसूरत है। और पर क्या हमारे कुमाऊनी साहित्य ने कभी इन्हें इस तरह से तरजीह दी? अगर दी भी तो उसको एक तरह से ये मान लिया गया कि, और मैं ये एक चीज साफ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी प्रयाग जी बोल रहे थे कि कथा वाचन की जो परंपरा है वो कैसे मतलब पंडितों ने कथा वाचन किया होगा, उस तरफ हमने बहुत ध्यान दिया। अगर हम कुमाऊनी साहित्य को उठाते हैं खासकर लिखित साहित्य को तो हम देखते हैं सत्यनारायण कथा और ये कथा, लेकिन हम उसी चैप्टर पर ये भूल जाते हैं ये कहना कि ये जो और कथाएं हैं जो लौकिक कथाएं हैं उनको हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो जागर कथाएं हैं, अंधविश्वास है, ये है वो है, उस तरीके का एक जो हमारे दिमाग में है उसको हम बिल्कुल अलगा देते हैं, वो वहां पर नहीं आता। तो ये एक जो खाई दिखती है दोनों तरफ की, इस खाई
को बहुत बारीक से समझने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। खैर हमारे लिए पर क्या कुमाऊनी साहित्य ने इस तरह तरजीह दी, देवी देवताओं वाली चीजें बनी रही है हमारे लिए, संजावली और जागर के हिस्से, बल्कि जागर के आधे हिस्से के बाद अगर जगरिया गा नहीं पाता तो वो कहता अब मैं कथवा देता हूँ या अब मैं कथा देता हूँ। तो कथा शब्द उसके लिए, मतलब कथा शब्द उसके लिए इस रूप में उसके पास आता है। तो खैर जागर की संजावली में जब जगरिया रुम रुम और झुमझुम सांझ के घिरने का जिक्र करता है तो वो केवल आदमजात की फिक्र नहीं करता, जो कविता के मूल्य है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, वो केवल आदमजात का की फिक्र नहीं करता और उसमें वो अपने अगल बगल के हर चीज को ले आता है, जैसे बटावा का बटुने ले रट डेरा रोकी आलो और बने की गाय बछिया आ गए ओ गला गोठाना, और फिर कह रहा है कि बने की घसारी आब घर बाटा लागी जाना, फूलों का भंवर आब फूल रथी बह जाना, घोलवाली पंक्षियों ले पे घोले बासे लियो और घरवा की मोनी आब घरवा बह गया, मधुमक्खी के लिए भी उस पर जगह, और नरवरों की पक्षियों ले सरवरों को वासा, तालों की मछलियों ले मुंगरों ली वासा लियो, ताल की मछली मुंगरों पर घुसने लगी, और उसके बाद कहता है कि बने की मुर्गियों ले काठा वासे लियो और बनसिंह राजा अब धारुमा गर्जला रुमा रुमा झुमा झुमा संध्या झूले आ गए। कविता का इतना मतलब बड़ा सामाजिक अस्तित्व, मुझे लगता है कि सह अस्तित्व जब हम स्वीकार पाते ना, अपने बगल वाला कैसे जिएगा, मौनी कैसे जिएगी या घुरड़ कैसे जी रहा है, वो कैसे जी रहा है, मछली मुंगरों पर कैसे धस रही, तो कविता का बड़ा उद्देश्य इसमें दिखता है। तब ये जिस तरीके की हमारी मारकाट मची हुई ना समाज में कि नहीं तुम ये हो तुम वो, तुम पाकिस्तानी हो तुम पाकिस्तान चले जाओ तुम यहाँ रह जाओ, ये दरअसल यही दिक्कत है कि ये जो विकास क्रम है मनुष्यता का जिसमें बराबरी और सहजीवन का सम्मान है, वो हमने अपने विकास क्रम में लोक से उसको ग्रहण कर नहीं किया, हमने दूसरी चीजें ग्रहण करी। इस तरह सैकड़ों कवितामय मौखिक परंपराएं हैं जो अभी नई पीढ़ी तक पहुंचने हैं, इसकी मीन मेक की जरूरत है। हमारे मौखिक साहित्य में कुछ एक गीत वो उनकी हमारे मौखिक साहित्य को कुछ एक गीत वो उनकी शैलियों तक ही सीमित कर दिया गया है। कितने साबर मंत्र जागर घटियाली खेला जागा ढोली ढोला जैसी लोक फार्मों से हम अनभिज्ञ हैं, मतलब हमारी पीढ़ी अनभिज्ञ है, जिनकी उनकी शैलियों से अनभिज्ञ है। हम उच्च धर्मी पुरखों की संतान है, अपने पुरखों के रचे जन्म से लेकर मृत्यु तक गाए जाने वाले गीतों से अनभिज्ञ हैं। ऐसा क्यों है, क्या कभी हमने सोचा? जिसके भीतर उत्तराखंडी लोक साहित्य के सौंदर्य पक्ष को देखा जा सकता है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि हमारे लिखवाड़ों ने इन शैलियों को निरंतरता में प्रयोग नहीं किया, और इसी वजह से बड़ी चूक हुई, फिर भी कुछ थोड़े से रचनाकार इनका प्रयोग कर पाए, जिनकी वजह से कुछ शैलियां लेखन में जिंदा रही, और हम हमेशा गद्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारे पास गद्य की संभावनाएं भी कम नहीं है, हमारे पास जो लंबे प्रबंध कथानक है वो बहुत लयात्मक है, जरूरत है उन्हें पहचानने की, और शैलेश मटियानी के का गद्य का जो स्वरूप है इन्हीं कथा को बखानों के भीतर है, और वहीं से फिर वो जो है हमारे गिरदा तक आता है, और उसी से वो जो हमारे पास जो गद्य का जो जातीय गद्य है, दरअसल वो गद्य आपको दिखेगा मुख सरोवर के अंश में। क्या हमने उस गद्य का कभी इस्तेमाल किया आगे? नहीं किया हमने, और वो हमने गद्य वो पकड़ने की कोशिश नहीं की उसको, जबकि हमारे पास था वो, परंतु हमारे लिखाड़ इस दिशा में बहुत नहीं कर सके। ढोल सागर का एक संवाद सुनिए कि पहली धरती के आकाश, पहली स्त्री की पुरुष, पहली दिन की रात और पहली गुरु की चेला, और फिर वो उत्तर दे रहा है कि प्रथमे धरती पीछे आकाश, प्रथमे स्त्री पीछे पुरुष, पहले रात फिर दिन, पहले गुरु फिर चेला। अब ये बहुत महज साधारण बहतापन संवाद लग रहा है, लेकिन जब हम स्त्री पुरुष की बराबरी की बात कर रहे हैं तो ये ढोल संवाद बताता है कि किस तरह से पहले स्त्री और फिर पुरुष का जिक्र आ रहा है, और किस तरह से कई बार हम समाज को गैर बराबरी को लेकर कोसने लगते हैं। लोक फर्मों को सिरे से नकारने के बजाय मुझे लगता है कि कभी कभी उनको और समझने की जरूरत है कि दरअसल ये जो गीत है ये उस मेहनत कर जनता का इतिहास है जो किसी भी तरह से लिखित साहित्य में नहीं आ सके, क्योंकि इनको रचने वाले समाज के हाशिए पर थे। मैं इस हिस्से में उन औजारों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको लेके बार बार बात हो रही कि हम क्यों नहीं कर पाए जातीय चेतनाओं में स्त्रियों में लेखन। उसकी एक खास वजह है, एक खास हमारा नजरिया है जो हमको कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में डीप रोटेड है। आप झूसिया के ढोल के वादन का एक शब्द लीजिए जिसमें वो ये कोशिश करता है कि शब्द कितना संयुक्त प्रयास है और शब्द कितना सामाजिक है, सोशल है। उसमें ये कहता है कि ढोल को शब्द कुनेला और कुनेला को शब्द डोरा, ढोल को शब्द डोरा, डोरा को शब्द कुनेला, कुनेला को शब्द पूड़ा, पूड़ा को शब्द ताल, ताल को शब्द लाकड़ो, लाकड़ो को शब्द बजा, बजा को शब्द गजा और गजा को शब्द सुर।
कैसे मतलब समाज में कोई भाषा और वो कैसे उसके जीवन के गहरे संबंधों के साथ है, और भाषा के साथ कैसे उसके जातीय संस्कार जुड़े हुए, कैसे उसकी, और भाषा भाषा बड़ी हायरार्की में रहती है एक दूसरे से, एक दूसरे से वो कभी ऐसे नहीं मिलते कि मैं भी तेरी तू भी मेरी, बहुत कम भाषाएं हमसे मैं भी तेरी तू भी मेरी करके मिली। जैसे कि हम मुगलों के साथ बहुत साल रहे, हमने अपनी अम्मा और अम्मी, अम्मी जान और अब्बा जान नहीं कहा, लेकिन हम अंग्रेजों के साथ इतने साल रहे, भाषा की हायरार्की में हमने मॉम और डैड कहना सीखा, क्योंकि जब हमारे पास मुगल आए या वो आए तो हमसे बराबरी में मिली उनकी भाषा। तो ये जो भाषाओं का संबंध है ना, इस तरह से है, और जब भाषा की एक पूरी वो है, वो इस तरह से जा रही है जो झूसिया वहां दिखता है। और यह सब होते हुए भी अगर आप लोग कहते हैं कि कविता तो प्रतिरोध रहती है, उसको तो प्रतिरोध दिखना चाहिए उसमें, तो प्रतिरोध के स्वर भी वहां है। एक जगह वो कहते हैं कि नंग डाले को बिलंग फूल न पाओ स्वामी, कुआं की मछली न पातर को जोबना बाकी दर्शन को, क्योंकि यदि अच्छे कर्म न हो राजा के तो तड़पती रह सकती है उसकी आत्मा कि जैसे बिना पानी की मछली जैसे पातर का जोबन। और आज की हालत यह है कि आज इतने हमने चारण और भाट कवि पैदा कर रखे हैं कि वो आज लिखने से कहते नहीं नहीं अब हम इस इलाकों को नहीं छुएंगे। कुमाऊनी कविता की तो ये खासियत है, कुमाऊनी कविता की जो अभी की खासियत है, मेरे समकालीन जो लोग लिख रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि वो छेड़ते नहीं, उनको लगता नहीं सत्ता की तरफ, तो क्या करना यार, ठीक है हम कवि रहते हैं, क्योंकि जो उनके विकास क्रम है वो उनको पता ही नहीं है कि हम किस विकास क्रम से आ रहे हैं। यह लोक कथाओं की एक शैली है, महाकाव्यात्मक होते हुए अपने विकास क्रम में जो आगे नहीं बढ़ सकी, इसका एक बड़ा सवाल है जिसके संदर्भ छुपे हुए हमारे जातीय संरचना के भीतर है। यह सवाल मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, जिसके संदर्भ आगे जोड़ूंगा। बखानों के बाद हम आते हैं गीतों के फॉर्म में। गीत और बखानों के बखड़ुओं की कोई पाठशाला नहीं थी, इनके पाठशाला का मास्टर एक गवैया था जिसे लोक और लोक देवता दोनों गुरु कहते थे। भगरिया जगरिया के साथ लंबा अनुभव के साथ कंठ देता हुआ कवि बनता और एक दिन मुख्य गायक हो जाता था, और बखड़वा चाचरी की चाचरियों और भगनौलियों के साथ संगत करता हुआ एक दिन खुद गायक बन जाता। ग्वाला जानवरों को हाँकते हुए एक दिन बुजुर्ग ग्वाले संग लंबी बांसुरी की तान पर नौलियां मिलाने लगता, और घसारे ने अपनी पुरखिनों संग दरातियां खनकाती हुई एक दिन गिटार हो जाती। यह सब एक दिन में होने वाली प्रक्रिया कतई नहीं थी कि एक दिन में हमने शैली टीप दी, एक दिन में हमने वहां से कहीं से झटक दिया कि भाई लो, क्योंकि दरअसल ना हम फॉर्म को लेके हम बड़े वो होते हैं। मुझे लगता है कि फॉर्म कोई आकाशीय चीज नहीं है। बिजली आ गई आपके दिमाग में, जैसे हमारे देवी देवताओं के हाथ से रोशनी आ रही होती चित्रों में, और आपने उसी शैली में लिख दिया। शैली भी जीवन का और साहित्य का बहुत जरूरी यथार्थ है, और वो जीवन के आप जितने करीब जाएंगे उसकी शैली खुद आएगी, उतनी गाजिन शैली निकल करके आएगी। शैली विषय वस्तु से अलग चीज नहीं है, बल्कि वो विषय वस्तु जैसी ही कोई चीज है। खैर, यह सब एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं थी, और हमारे वहां तो नाथों के इतने प्रभाव थे कि झाड़ फूक से लेकर के उपदेशात्मक बंद जीवन के आर पार तने हुए मिलते हैं। मैं एक बार वो हलिया हल जोते छमछम बोए धान पहले खाए सुबह पुरानी फिर खाए किसान कह रहा था, तो हमारे पड़ोस में एक कमली आमा थी 98 वर्ष में मरी। उन्होंने कहा तुझे पता है मेरी आमा बताती थी कि ये गोपीचंद का उपदेश है। तो इस तरीके के जब मैंने ये ढूंढने की कोशिश की तो करीब 44-42 उपदेश में इसी छंद में इसी तरह के ऊपर से नीचे मिलाने वाले ढूंढ पाया। लेकिन अब ये सवाल है कि ये कौन है लिखने वाले, गोपीचंद कौन था एक, और हमारे लेकिन हमारे लोकगीतों में गोपीचंद इतना जिंदा संत रहा कि लुआ पिटो घना सुबह लुआ पिटो घना जीजा की अमर रहे जैसे गोपीचंद है। और तो और गिरदार जब जैता भले रे घर जानो गीत गा रहा था तो उसमें भी गोपीचंद को ले आया, और कि दूतरी को तार जैता दूतरी को तार बची रहे अमर रहे गोपी जने तार, उस वाले एक छंद में गिरदा के वहां भी है। और कुमाऊनी गढ़वाली का लिखित और साहित्य जो नागर रूप है वो दरअसल गढ़वाली का थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी होलसेल अगर मिलाएं तो 200-250 साल के से ज्यादा का नहीं है। पर हमारा समाज बहुत पुराना है, 200-250 सालों तक कौन लोग हमारी कविताओं के आखर अपने कंठ में संभाल के यहाँ तक लाए, उसके विकास क्रम को जानना जरूरी है। इस यात्रा को तय करते हुए हम गुमानी मौलाराम गैरोला पुरी तक पहुँचते हैं। दुनिया के साहित्य का पहला चरण यही बखान थे, इन्हीं बखानों ने हमें कविता और साहित्य की तमीज दी। क्या कविता के लेखन से पूर्व की सुदीर्घ परंपरा को हम नकार सकने का साहस रखते हैं? यदि नहीं रखते तो फिर इन मौखिक बखानों से लेखन तक के आने के क्रम को खोजना ही होगा। अब हम गुमानी की तक आते हैं तो गुमानी की से मेरी लाख असहमतियां हैं, लाख असहमतियां होने के बावजूद भी कुछ सहमतियां हैं, क्योंकि ऐसा दौर था कि अंग्रेजों की एक तरह से तारीफ ही कर रहे थे पूरे लिखने वाले, बड़ा उहापोह तमक में था, उनका बिलीफ सिस्टम टूट रहा था, क्योंकि जो लिख रहे थे वो सवर्ण जातियों के लेखक थे,
उनको लग रहा था एक तरफ से क्या जो कर दिया अंग्रेज ने, गोरा चिट्टा अंग्रेज लाल टोपी पहना हुआ, उनको लगता था नहीं नहीं ये तो कुछ करेगा हमारे लिए, फिर लगता था नहीं नहीं ये तो जातिगत छुआछूत और ये सब मानता नहीं। तो जो लेखक थे वो अपने भीतर भी टकरा रहे थे, गुमानी तो बहुत टकराया अपने भीतर। अब जैसे उसमें ये वाली जो कविता है, हुनर गा कीना न बिरसा महीना न दौलत महीना न घरवर, लगी कर्जदारी यही मर्ज भारी हरो अर्ज सारी सुनो बंदी परवर, मुझे खूब रोजी इनायत करो जी खुशी से लसिंगटन कमिश्नर बहादुर। और इसी में दूसरी कविता में फिर वो देखता है कि जब अंग्रेज जातिगत छुआछूत नहीं मान रहे हैं या इस तरह से स्त्री में उनकी गैर बराबरी बहुत कम है, और निसंदेह जिन संदर्भों और विश्वासों को लेकर गुमानी चला होगा वो उनसे टकराया होगा पूरे कविता में, उस कविता में पूरा दिखता है। अगर हम उसके पाठ पाठवादी समीक्षा करें तो उसके टेक्स्ट को अगर हम एक अलग कंसेप्ट में देखें तो दिखता है कि एक ब्राह्मण कैसे मतलब अपने बिलीफ सिस्टम से टकरा रहा है, और उसमें टकराते हुए भी पुनर्स्थापना के मूल्य भी है, अंग्रेजों की तारीफ भी कर रहा है। हसूजर रोजो है कुना ना हमारे यहाँ, हसूजर रोजो है रे, मतलब वो पूरी कविता में हाँ किसी समय हंसता है किसी समय रो रहा है। तो उसमें वो ये कहता है कि फिरंगी वर्णन कविता दरअसल एक अजीब मनस्थिति की कविता है। अगर हम गुमाने की मनस्थिति को देखें तो हम समझ सकते हैं कि जब किसी अभिजातीय लेखक के बिलीफ सिस्टम टूटते होंगे या वो टकराता होगा उन सिस्टमों से तो वो किस तरह टकराता होगा, ये गुमानी में हमको दिखता है। तो एक तरफ वो तारीफ भी कर रहा है और खुद के विश्वास टूटते हुए भी उसके दिखते हैं, विश्वासों पे चोट हो रही है, तो चूक भी नहीं रहा कहने से कि लट्ठा कमर मंद राजों की छीट गजी से छस्ती है और टके शेर के मेवे खाके डुमड़ी में भी मस्ती है। और फिर दूसरी तरफ कहता है कि अंग्रेजों के राज भरे में लोहा महंगा सोने से। अब ये लोहा किसका प्रतीक है, सोना किसका प्रतीक है, अगर हम कविता के प्रतीक और बिंब और दौलत खेची दुनिया के सो पानी पीवे दीने दोने से, मूलक मूर्ख लोग सभा बीच बैठे पंडित बैठे कोने से, मतलब ये जो समाज का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें उसको एक तरह से मतलब उसको लगता है कि यार मैं बड़ी जाति हूँ मैं कोने से क्यों बैठूंगा मतलब, है ना। और फिर ये गए गुमानी हिंदुस्तान राजलोक न होने से, अब तुझे कोने में बिठाया तो इसका मतलब अब अच्छा नहीं होगा कुमार। तो ये जो बहस है ना इसको मुझे कभी कभी लगता है कि, और एक जगह कहता है कि करे फिरंगी राज आबादी धरती में ना जंगले हैं, कंफू पलटन जगह जगह कोत किले कोत घर बंगले हैं, और चूड़े और चमार धनंदर बामन बनिए कंगले हैं, फिर आगे चौकी पातर एक नहीं सब कंचनियों के दंगले हैं। तो जो उसका पूरा समझ है समाज को लेकर के उस तरीके की, जो उसकी एक पूरा बिलीफ सिस्टम है वो कितना मतलब डगमगा रहा है, कितना ढह रहा है। मतलब अगर कोई समाज में कोई मुझे लगता है कोई आवाजाही होती है तो सबसे पहले तो जो समाज को सोचने वाले होते हैं उनके ही दिमाग उथल पुथल होते हैं, वही एक तरह से खुद से खुद के बिलीफ सिस्टमों से टकराते हैं। और है नहीं नहीं ढह नहीं रहा, लेकिन एक टकराहट तो दिखती है साफ साफ कि कितना मतलब वो अपने बिलीफ सिस्टम से टकरा रहा है। मतलब हंसूजे रोजू है ना वो, मतलब हंसूजे मैं अगर कभी लेख लिखूंगा गुमानी पर तो मैं लिखूंगा हंसूजे रोजू का कवि है गुमानी, ऐसा लिखूंगा। मतलब उसको और तरीके से किया जा सकता है, हाँ किस तरह सामाजिक बदलाव हो रहा है, कभी कैसे खुद के बिलीफ सिस्टम से टकराता है इसका, जिसके गहरे जातिगत सामाजिक संदर्भ है। अब इसे पाठकीय समीक्षा के लिए मुक्त कर देना चाहिए कि वह इनके संदर्भ और अर्थ खुद तलाशे और बहस हो, क्योंकि ये बहस भी कहीं ना कहीं जिस बहस को लेकर हम अभी तक बात कर रहे हैं उसी बहस की तरफ जाएगी। गुमानी से लेकिन मुझे गुमानी दो तीन चीज़ों में बड़ा खास आदमी लगता है, जैसे हालांकि गुमानी की जो थोड़ा थोड़ा अपनी समझ है वो ढहती भी है, थोड़ा बहुत प्रगतिशीलता आती भी है जब वो स्त्रियों को लेके बात कर रहा है, कहीं पर अकाल को लेके बात कर रहा है एक जगह गंगावली की, और या फिर गोरखाओं ने किस तरह लूटा है सोशली उस पर बात कर रहा है, विधवा वाला जो है उस पर भी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बिलीफ सिस्टम जो है ना कुछ मतलब जो डीप रोटेट है वो मुक्त नहीं होता उससे, हाँ वो उससे मुक्त नहीं, क्लासिज्म जो है ना उसका उससे मुक्त नहीं है मतलब कई जगह। खैर बहरहाल गंगोली के अकाल में उनकी पंक्तियां और पर गुमानी को पढ़ते हुए जितना लगता है कि वो खाने के बड़े शौकीन रहे होंगे, क्योंकि खाने का शौकीन मैं भी रहा हूँ। और हिसालू और काफल तो मतलब भाई साहब उनके जो है हर कविता में दिखी जाता है, और ये स्वीकारने में मुझे कोई संदेह नहीं है। सोलह सराद वो मैं कावत सुनता था, सराद में बामणा गाल लाल अजनी कुनेर ब्याह ने इजा आमा लोग कहने वाले थे, सोलह सराद पढ़ी तो मैंने कहा सही कहते होंगे, मतलब इतनी बढ़िया कविता है वो।
प्रारंभिक लेखन में घुमाने के साथ, अब मैं थोड़ा लेखन की धारा में आ रहा हूँ, प्रारंभिक लेखन में घुमाने के साथ कृष्णानंद पांडे के अलावा चिंतामणि जोशी है, और पहली बार कुमाऊनी कविता का वैभव शिखर जिस कविता में दिखा वो गौरीदत्त पांडे गौरदा था, जिसने धरातल में उतर के खुद को भगनौलिया कवि कहा। राष्ट्रीय नवजागरण के आंदोलन के साथ कदमताल करते हुए उसने स्थानीयता और जनपदीय मुद्दों को जोड़ दिया, जो कहने लगा कि समता धरणी चय सपन कह। गौरदा ने जो खास काम किया था वह था खुद के परजों के आभा मंडल से निकल के दा पर आने का, और जो यहाँ के कामगार तबकों का शब्द था, जिसके लिए हमारे सामंती ढांचे में आज भी कहावत जिंदा है, डुमो न कोई डुमदा कोई। और जब वो खुद दा शब्द पर उसने अर्जित किया तो वो हमारे मुद्दों को स्वर देने वाला पहला कवि बना गौरदा, और जिसने हमारे ठेठ जुबान को आंदोलन और सरोकारों से भर दिया। जाति धर्म छुआ छूत पाखंड आडंबर जातियों की खोखली मान्यताओं को किसी कवि ने पहली बार तहस नहस किया तो वो गौरदा ही था। ये वही समय था जब हमारी कविता का शिखर दुनिया की तमाम कविताओं से होड़ ले रहा था, पर दुखद यह कि उसके बाद हमारी कविता उस शिखर तक नहीं पहुंची। हमारी कुमाऊनी कविता की जनवादी परंपरा के बीज भी गौरदा के भीतर ही मौजूद थे, जो बाद में जाकर के बालम सिंह जनौटी से तमाम जितने हमारे लोग अभी लिख रहे हैं उन तक आई। हालांकि इन दोनों के बीच दो अजीब किस्म के कवि थे जिन पर बहुत ही गाजिन लोग बिंब थे, हीरा सिंह राणा और शेर सिंह शेरदान पर। वो एक अलग किस्म की ठस लेकर के आए, थोड़ा बहुत यहाँ से चेतना ली, लेकिन जो भाषा का जो वैभव शिखर था गौरदा से वो चारुचरण पांडे पे आया। और वो मैं तो कभी कभी लगता है इतनी मक्खन और मलाईदार भाषा है कि मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कि कुमाऊनी नहीं कुछ और ही पढ़ रहे हैं। और चारू जी को जब मैं पढ़ रहा था तो क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि उनकी दो तीन संग्रह पढ़े तो मुझे लगा भाषा का क्या मानक है, हाँ मजा आ गया। खैर, बालम सिंह जनौटी और गिरधर ने चेतना ग्रहण किया और बाद में दो शेर सिंह अनपढ़ की कविताओं में इस तरह के गाजिन बिंब दिए। लेकिन अधुनातन लेखन में इस मोड़ पर जो गैर बराबरी हमारे समाज में बनी हुई थी वो गैर बराबरी लेखन में भी दिखती है। दरअसल कई बार हम इस सवाल से टकरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि भाई दलितों का क्यों नहीं मतलब इसमें लेखन है और स्त्रियों का क्यों नहीं लेखन है। दरअसल ये लेखन का मामला नहीं है, ये समाज की गैर बराबरी का मामला है। पहले समाज जो कुछ लोग समाज रच रहे हैं और वही लोग कुछ लेखन भी रचते हैं। समाज रचने में अगर सबकी भागीदारी होती है तो कला संस्कृति साहित्य में भी समाज का हर एक तबका दिखता है, ये हमने महसूस किया है। नेपाली साहित्य में आज की डेट में हर एक तबका है। कोई मुझसे ये कहेगा कि अब हर किसी को तो कवि नहीं बनाया जा सकता धकेल धकेल करके, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये तो बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज को रचने की जिम्मेदारी अगर आप सबको देंगे, उसमें स्त्री का औसत होगा, उसमें आदिवासी का स्त्री वो होगा, उसमें क्या कहते हैं आपके तमाम तबकों का जो कि वंचित अस्मिताओं का अगर पूरा समूह होगा तो समाज रचने के साथ साथ कविता के रचाव में भी कला के रचाव में भी वो चीज़ें स्पष्टतः दिखने को मिलती है। स्त्री लेखिकाओं के नाम पर हमारे पास कुछ उंगलियों में गिनाने लायक नाम है कुमाऊनी में, और दलित लेखकों के नाम पर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक संग्रह नहीं है जिस पर बहस हो सके। अब मैं क्योंकि मैं मुझे कई लोग मानते हैं, मैं खुद को नहीं मानता कि मैं समकालीन कुछ लिखता हूं, तो मुझसे लोग कहते हैं झारखंड से लोग आते हैं या कहीं से, तो वो कहते हैं भाई तुम मुझे कोई दलित राइटर सजेस्ट करो उत्तराखंड का जिसको मैं पढ़ सकूं, या कोई महिलावादी उत्तराखंड की दलित। तो उस समय ये यहाँ सब रचने वाले लोग हैं, मैं इसलिए उस समय मुझे क्या, हम सभी को अपने लेखन पर शर्मिंदा होना चाहिए, इतने सालों के बाद उत्तराखंड के बनने के बाद भी हम इस तरह के प्रयास नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि विचार में कविता नहीं मत देखो, जीवन में विचार देखने की जरूरत है और कविता में विचार देखने की जरूरत है। कल मोहन भाई ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, हमारे बहुत प्रगतिशील साथी चिल्लाते रहते हैं कोई संग्रह नहीं है इस तरीके का, अगर इसी किस्म के दो चार लोग मिल करके एक बढ़िया बहस के लिए एक बढ़िया संग्रह आ सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। भानुराम सुकोटी का पहला संग्रह आया जिस पर जो एक तरह से उस अस्मिता का कविता संग्रह है, लेकिन वो भी मैंने संपादित किया। अगर वहां से कोई आता उस तबके से तो बहस होती। तब ये सवाल है कि किसी भी तरह से इस परंपरा को कैसे स्थापित करें और कैसे मतलब जो महिलाएं लिख रही है उन तक पहुंचने, ऐसा नहीं कि नहीं लिख रहे हैं, लिख बहुत रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वजह है कि कुमाऊनी साहित्य में इतने साल तक हमारे पास कुछ महिलाएं रही और दलित तो रहे नहीं, जिन जिन महिलाओं के हाथ में पूरी मौखिक परंपरा थी और जिन जिन दलितों के हाथ में पूरी मौखिक परंपरा थी वो कहाँ है, लिखित परंपरा में वो लोग क्यों हैं,
और अब तक क्यों है? चलिए पहले हमने मान लिया जातियों के बंधन बहुत टाइट थे और ये था वो था, लेकिन अब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अकादमिक रूप से हमारे चरित्र अभी भी हमारे जो क्लासिज्म हम पर भरा हुआ है वो वैसा ही है? तो हमको एक तरह से खुद को जो है खुद को टटोलने की इस पर पूरी जरूरत है। और महिलाओं पर शिवदत्त सती का एक घसेरी गीत है जो बहुत सहानुभूति पूर्वक अच्छा गीत है लिखा गया है, लेकिन उस तरफ से कुछ नहीं आए। मुझे तो एक बहुत अच्छा गीत मिला था, इधर ये देघाट की तरफ गाया जाता है, भीमुआ की डाई करिए निसाब जोड़ बदनु तो पर आज। इतनी गाजिन अभिव्यक्ति, मरने से पहले वो अपने पूरे परिवार के बारे में महिला बता रही है और उसके बाद वो कह रही है कि भीमल की डाली से। बताइए कितना क्रूर समाज है जिसमें महिला किसी से बात नहीं कर सकती, उसको अंततोगत्वा पेड़ के पास ही जाना है, और पेड़ दरअसल खुद में एक बड़ा स्त्री, खुद में स्त्री है तो उसके पेड़ के पास ही जाना है। तो दूसरी हमारे साथ दिक्कत ये रही कि हमने गीतों को कविता नहीं माना, जबकि लोक गीतों पर यह आरोप है अभिजातीय साहित्य का कि गीत एकास्मिक होता है, मोनोलिथिक होता है, वो एक ही तरफ जाता है, लेकिन लोक में तो गीत ही होता है, उसमें जीवन के इतने सारे संदर्भ जुड़े होते हैं कि पूछिए मत। तो हमारे लिए तो गीत कविता है, उसको हमने क्यों दरकिनार किया अभी तक? इतने गीतों की डायरियां, इतने बखड़वे बखड़वे और कथेरों की डायरियों में इतना सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो है कहाँ? तो ये जो गीत, बेहतरीन गीत आए हैं, बेहतरीन गीत लेखक है, ये कहाँ है? तो ये सोचने के लिए कुछ चीजें हमको जरूर मजबूत करते हैं। और आजकल जो सबसे बड़ी चीज तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो ये अधुनातन पीढ़ी है ना हमारी, वो बड़ी गजब आजकल वो बहुत यादवादी किस्म की कविताएं लिख रही है कि पत्थर छाई कुड़ ऊंची, और इस तरीके की जो कविताएं आ रही है समाज में, या मैं रड़ गया चौकोड़ी की धार में, उसको पता ही नहीं चिफलन और रड़न में क्या अंतर हो गए। वे चिफलना और रड़ने में अंतर होता है ना, रड़न मतलब हाथ रड़ गया कहीं से, चिफलन मतलब फिसलना। तो ये जो रड़ने और चिफलने का अंतर है ये हमारी पीढ़ी तो नहीं जानती कम से कम, लेकिन क्योंकि उसको ऐसा कुछ चमत्कार करना है, अपने ग्लोबलाइजेशन ने पहचानों के संकट के दौर पे तो हमको खड़ा कर ही दिया है, तो हमारी जो पहचान है वो कहाँ कहाँ मिलेंगी? हमारे गांव में ही मिलेंगी। तो जो नई पीढ़ी के कई लोग मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरह की उनकी कविताएं आ रही है, वो क्या कहते हैं पहाड़ पर लौटने वाली, जो रहे वहीं रहे हैं, उस तरह की पूरी कविताएं उनकी आ रही है। और लेकिन क्या ये पहाड़ पर लौटने वाली कविताएं किसी दलित और महिला लेखिकाओं की है? सवाल फिर यहां से शुरू होता है, ये एक खास तबके की ही क्यों कविताएं हैं? और क्या वाकई महिलाएं और स्त्री, महिलाएं दलित और स्त्रियां पहाड़ पर लौटना चाहती है? हमारे एक मित्र है मुकेश बगुणा, मुकेश देवराड़ी, वहां उनकी इजा से मैंने कहा चाची अब तो पहाड़ बहुत बढ़िया हो गया, घर चलो। उनने कहा आ गल मेरे तरफ बड़े तो पहाड़, 7 दिन तक मैं गोठ में रहती थी, इस पहाड़ में जाके मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो यहाँ बढ़िया है, रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ आराम से। तो ये जो क्या इस तरह से कविता है, मैं पहाड़ लौटना चाहती हूँ, किसी स्त्री ने कहा? नहीं कहा है। और रिवर्स पलायन के जितने केस है मैं ये देख पा रहा हूँ कि खास किस्म की सवर्ण जातियां ही वापस लौटना चाह रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने एक पक्ष है, दूसरे पक्ष से और बहुत कुछ हो सकते हैं कि ठीक है हमारा पहाड़ से लगाव है, ये है सो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहाड़ के बीच आए और हमने एक जंगला खड़ा कर दिया। मुझे तो लगता है कि राजा और बड़े लोगों के लिए पहाड़ में भी शहर हो सकता है, अगर वो एक बढ़िया से बढ़िया मकान में, अगर वो एयर कंडीशन ये सब रहे, क्योंकि लोक का मामला उत्पादन का मामला है, खेतों पर काम करते हुए उत्पादन के साथ चीजों को जीने का मामला है, वो अलग से रहने का मामला नहीं है। ये मैंने महसूस किया है रिवर्स प्लान के, मैंने जितने केस देखे हैं वो एक खास तबके के एक खास लोग हैं जो लौट के आ रहे हैं। अच्छी बात है, उनको देखते हुए कोई दलित, कोई इंडिपेंडेंट महिला लौट के आ जाए, ये मैं मानूंगा कि ये बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है, लेकिन कुछ नहीं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब मैं शहरों में दलितों के घर जाता हूं तो पहाड़ की कोई निशानी उनके घर में नहीं मिलती, और रखेंगे भी क्यों उस निशानी को? लेकिन जैसे ही मैं सवर्णों के घर में जाता हूं तो मैं देखता हूं टोपी लटक रही है कुमाऊनी, घर में भले पहने न पहने, हुड़का लटक रहा है, हुड़का मैं खुद भी रखता हूँ, और क्या कहते हैं, या कोई ऐसी याद जो पहाड़ की है वो तो टांक रखे हैं। मेरे एक मित्र है, उन्होंने तो नदी का पत्थर भी रख रखा है कि ये पत्थर मेरे घर का है, लेकिन दलितों ने इस तरह की कोई पहचान नहीं, इवन बस्तिया के आसपास तो उन्होंने जातें तक बदल दी, तो इसलिए उनके लिए तो पहाड़ ठीक है यादों में मीठा बने रहे, तो वो लौटना भी नहीं चाहते इन सारी चीजों को लेकर के। तो ये जो हकीकत है ना, इनसे दरअसल हम लोग थोड़ा भाग रहे हैं, और ये हमारे साथ कमी है। तो अभी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे लोग जहां जहां रच रहे हैं, इसकी सबसे जो जिस समाधान की तरफ हम जा रहे हैं उस
उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, मोहन भाई यहाँ तमाम सारे लोग जो लिख रहे हैं, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इनको किस तरह से अपने साथ या ये किस तरह से साथ आकर के या साथ हम काम खड़ा कर सकें, क्योंकि ऐसे ही काम खड़ा होगा और ऐसे ही चीजें बनेंगी। तो कुल मिलाकर के लेकिन नई कविताओं के स्वर अच्छे हैं, शंकरदा यहाँ है और शंकर जोशी है और क्या कहते हैं दिनेश भटजी है, मनोज उप्रेती की बहुत सारी अच्छी कविताएं इस बीच आई हैं जो एकदम हमारी पीढ़ी एकदम नई पीढ़ी में है। तो लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ भी जो है जो जन भागीदारी का औसत है वो कम है, जन भागीदारी के औसत को पूरा करना होगा तभी हम एक बढ़िया सिनारियो कविता साहित्य संस्कृति का हम अधूरे है। दरअसल हमने जो अभी तक लिखा है अधूरे है क्योंकि हमारे पास और पक्ष है ही नहीं, और पक्ष तो छोड़ दीजिए हमारे पास भूगोल नहीं है, बागेश्वर के तल्ला दानपुर मल्ला दानपुर बिचला दानपुर का कोई भूगोल हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या कहते हैं आपका मुंशहरी का कोई भूगोल उस तरह से कुमाऊनी कविताओं में नहीं है, हमारे पास पूर्वी कुमाऊनी का कोई भूगोल नहीं है, भूगोल तक हमारे पास नहीं है। तो ये जो भूगोल भूगोल पहली लड़ाई तो यही है कि भूगोल ही आ जाए, तो ये जो बहुत ये दरअसल ये बड़ी दिक्कतें हैं, इनको हमने बहुत बहुत समझदारी के साथ समझना होगा। और मुझे लगता है कि जो कुछ लोग लिख रहे हैं वो उनमें एक किस्म की आशा तो है ही, लेकिन हमको सुनने के लिए नए कान पैदा करने होंगे और पुराने चश्मों को हो सके तो उतार के फेंकना होगा, अगर नवी फेंक सके तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर उसको रुई से साफ करके उसको देखना होगा, तो चीज़ें मुझे लगता है कि और बेहतर हो पाएंगी। धन्यवाद।